आपने कई बार नोटिस किया होगा कि बर्ड्स इन इलेक्ट्रिक वायर्स पे बैठते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी शॉक नहीं लगता। यार फैक्ट्स इन डिटेल ऐसा क्यों? चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब भी किसी वायर से करंट को फ्लो होना है तो सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये है कि इस केस में बर्ड को तभी शॉक लगेगा जब बर्ड एक साथ वायर और लैन दोनों से जुड़ा हुआ है। वेल, ये तो पॉसिबल नहीं, इसीलिए बर्ड्स को शॉक नहीं लगता। लेकिन अगर उस बर्ड के जगह कोई इंसान है और उसने अपने हाथों से उस वायर को पकड़ा हुआ है और वो जमीन पे खड़ा हुआ है, जब भी उस वायर से करंट फ्लो करेगा शॉक लगेगा, क्योंकि इस केस में सर्किट कंप्लीट हो रहा है। और दूसरी केस ये बनती है कि अगर एक बर्ड एक वायर पे खड़ा है और अगर दूसरे वायर के मेटल के साथ उसका कॉन्टैक्ट हुआ, तब भी सर्किट कंप्लीट होगा और बर्ड से करंट फ्लो होगा। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।